ನಯಗನ ಆವಹಂ ಯಹೋವಕ ಧನ್ಯವತ್ಕರೆ. ಆವಹಂ ಯಹೋವಕ ಧನ್ಯವಾಕರೆ, ಅಪ್ನೆ ಸಾರೆ ಹೃದಯ ಸೆ ವಂದನ ಕರೆ. प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार. आज जो पहली बार आए हैं उन भाई का विशेष रूप से स्वागत है. आज हो सकता है आपको लगे कि मैं थका हुआ मालूम पड़ रहा हूँ. आज दो जगह विशेष सभाओं में संदेश देने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ, उसके कारण थोड़ी सी थकावट जरूर है. लेकिन आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु मुझे बल और शक्ति और अपना वचन भी देंगे. पिछले कुछ महीनों से हम सब मिस्र देश में जो 20 लाख गुलाम इसराइली लोग थे उनके बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से उन लोगों ने इन 20 लाख लोगों को गुलाम बनाया, जिसमें से 6 लाख हट्टे कट्टे स्वस्थ पुरुष थे. और यदि किसी राष्ट्र को 6 लाख गुलाम फ्री फंड में मिल जाते हैं तो बहुत कुछ कर सकता है.
लेकिन इसराइली लोगों ने जब प्रभु से याचना की कि प्रभु हमारी हालत बहुत खराब है, तब प्रभु ने उनको छुटकारा दिया। इतना हमने लास्ट हफ्ते तक देख लिया। आज मैं एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बाइबल के निर्गमन की पुस्तक के 12वें अध्याय में हमको मिलता है। लास्ट टाइम हमने इसको पढ़ा था, लेकिन जो भाग आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ उस पर मैंने लास्ट हफ्ते जोर नहीं दिया, इसलिए कि उस विषय का अलग से अध्ययन हम सब के लिए जरूरी है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तब इसराइली लोग राम से इससे कूच करके सुक्कोत को चले गए और बाल बच्चों को छोड़कर 6 लाख पुरुष थे, जिसका मतलब है सारी जनता लगभग 20 लाख के करीब थे। और 20 लाख लोगों के साथ मुझे लगता है 50 लाख से 1 करोड़ जानवर भी रहे होंगे, क्योंकि ये लोग खेती बाड़ी के बदले जानवर ज़्यादा पालते थे। अब मैं एक पोर्शन आपको आगे का पढ़ के सुनाता हूँ, जरा उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इसका असर उन लोगों के जीवन पर भी हुआ था, मेरे और आपके जीवन पर भी होता है। वहाँ लिखा हुआ है उनके साथ मिली जुली एक भीड़ गई। मिली जुली भीड़ का क्या मतलब है? मिली जुली भीड़ का मतलब है कि प्रभु ने अपने बच्चे इसराइली लोगों को मिस्र देश के या मिस्र देश की भयानक गुलामी से छुड़ाकर, उनको बचाकर, उनको प्रॉमिस किया था वाचा का देश कनान, वहाँ ले जाऊँगा। लेकिन इस बीच प्रभु की वाणी की उपेक्षा करके थोड़े बहुत इसराइली लोगों ने ऐसे लोगों से शादी कर ली थी जो उनके लिए उचित नहीं थे। इतना ही नहीं, कुछ मिस्र देश के लोग जो अपने पड़ोसी इसराइलियों का जीवन देखते थे कि किस तरह से वो प्रभु पर भक्ति रखते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, और किस तरह से मिस्र देश के ऊपर विपत्ति आई तो प्रभु ने उनको कैसे बचाया, ये सब देखकर आधे अधूरे विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ नहीं, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आधे अधूरे विश्वास के साथ कुछ इसराइली लोग भी निकल लिए। इस तरह से एक मिली जुली भीड़ प्रभु के लोग जब गए तो प्रभु के लोगों के साथ हो लिए। प्रभु का वचन हमको याद दिलाता है कि जब भी प्रभु के वचन की सच्चाई सुनाई जाती है तो कुछ लोग उस सच्चाई को अंगीकार भी करना चाहते हैं, लेकिन अपने जो बुरे कर्म हैं, अपने जो कुकर्म हैं और अपने जीवन में जो गलत कार्य, उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। मतलब वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, और इसका रिजल्ट क्या होता है, ये आज हम परमेश्वर के वचन में या प्रभु के वचन में देखते हैं। ये मिली जुली भीड़ साथ में गई, आगे जाके प्रभु के वचन को एक एक करके हम पढ़ें तो हम देखते हैं कहीं भी जरा सी भी समस्या आई तो इन लोगों ने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। सी, जब कोई जनता प्रभु का वचन सुनकर 20 लाख लोग किसी एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जा रहे हैं तो रास्ते में थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, पानी की कमी होगी, कई जगह पानी अच्छा नहीं होगा, भोजन की कमी होगी, लेकिन उनको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए थी कि दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र और बादशाहों के बादशाह, जिसकी मिलिट्री इतनी ताकतवर थी कि दुनिया में सारे देश उससे डरते थे, उस देश में से 20 लाख लोगों को प्रभु ने अपनी शक्ति से बचाया। और इसलिए जीवन में थोड़ी बहुत कमी घटी होती है तो प्रभु सुरक्षा करेंगे, लेकिन जो लोग ना तो पूर्ण रूप से प्रभु की ओर हैं, ना पूर्ण रूप से संसार की ओर हैं,
ये लोग कभी जीवन में स्थिर नहीं रहते और स्थिर नहीं रह सकते, इसलिए कि वो दो नावों में पैर रखे हुए हैं। यहाँ पता नहीं कितने भाइयों ने नाव में सफ़र किया है, मैंने नाव में सफ़र किया है, क्योंकि मेरी वाइफ एक ऐसे प्रदेश से आई हैं जिसके बगल में एक बहुत बढ़िया नदी बहती है। तो मैं जब मध्य प्रदेश से जब भी आता था तो नाव का सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बहुत जल्दी एक बात मुझे जो पता चली वो यह है कि भारी से भारी नाव पानी में हो और यदि छोटे से छोटा बच्चा उसको धक्का दे दे, नाव चल पड़ती है। वहाँ कोई विरोध नहीं होता, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। आपको लगता है कि मैं जरा नाव से टिक के खड़े होकर बात करूं, आप टिके नहीं, नाव आगे बढ़ गई और आप पानी में गिर जाएंगे। पानी में नाव की स्थिति यह होती है, कोई स्थिरता नहीं होती। अच्छा, यदि एक आदमी एक पैर एक नाव में रखे, दूसरा दूसरे में रखे, क्या स्थिति होगी जरा सोचिए कि एक नाव उधर को जाए, दूसरा इधर को जाए और वो पानी में डूब जाए। जो लोग अपने कुकर्मों को भी पसंद करते हैं और प्रभु के बच्चों के बीच में जो अच्छी बात है उसको भी पसंद करते हैं, इन लोगों की स्थिति यही है, जिसने भाई एक नाव तो पानी में सिर खड़ा नहीं रह पाता, आप दो दो नावों में पैर रखे हैं, निश्चित रूप से आप पानी में डूब जाएंगे। ऐसी एक जनता थी और इन लोगों ने प्रभु के लोगों के बीच में बहुत सी परेशानियां पैदा की, प्रभु के लोगों को ना केवल बहुत परेशान किया, प्रभु के अगेंस्ट भी फेरने में इन लोगों ने बहुत काम किया, जिसमें से एक घटना आज मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जो निर्गमन की पुस्तक के 32वें अध्याय में हम देखते हैं। निर्गमन के 32वें अध्याय के पहले, उसके पहले के जो अध्याय हैं उसमें हम देखते हैं कि इन 20 लाख लोगों को शक्तिशाली भुजा से प्रभु छुड़ाकर आगे लाए, पानी की व्यवस्था की, सुरक्षा की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, सब कुछ किया। और उसके बाद प्रभु उनको ये बताना चाहते थे कि मेरे बच्चों, मैंने तुमको उस नरक से छुड़ाकर प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको वाचा के देश में ले जाऊंगा, तो मेरी वाचा के अनुसार जो देश तुमको मिलने जा रहा है उस देश में तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए। प्रभु ये सारी बातें मूसा को बताना चाहते थे, तो मूसा को सीनई नामक पर्वत पर ऊपर बुला लिया। मूसा से ये भी कहा था कि दो पत्थर की तख्तियां ले आना जिसमें मैं स्वयं लिख कर दूंगा। तो जब मूसा ऊपर गया तो प्रभु ने 10 मुख्य आज्ञाएं उन पत्थर की पटियाओं पर लिखकर उनको दे दिया। उसके अलावा मूसा को और भी सारी बातें बताई। टाइम लगा, थोड़ा सा टाइम लगा। संभावना इस बात की है कि शायद मूसा ने उनको कम से कम मिस्र देश के लोग जिस तरह का शॉर्ट हैंड यूज करते थे, हो सकता है वो शॉर्ट हैंड यूज करके उसने चमड़े के ऊपर लिख लिया हो, जिससे कि बाद में जाके विस्तार से वो लिख सके। विस्तार से लिखी हुई बातें 31 अध्याय के पहले हमको मिल जाती हैं। ये सब करने के लिए थोड़ा सा समय लगा। समय लगा तो क्या हुआ, लोग बेचैन हो गए। 32वें पद में लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे मूसा के भाई हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, आप हमारे लिए मूर्तियां बनाइए। मैंने आपको इसके पहले भी याद दिलाया था, मिस्र देश के लोगों ने अपने मन की कल्पनाओं के अनुसार अपने लिए तमाम सारे ईश्वर, काल्पनिक ईश्वर बना लिए थे। मूसा के द्वारा प्रभु ने उनको ये बात बहुत सफाई से मिस्र देश के लोगों को भी बता दिया था, इसराइली लोगों को भी बता दिया था कि मनुष्य के द्वारा निर्मित काल्पनिक ईश्वर मुसीबत से आपको बचा नहीं सकते और आपकी जो जरूरत है वो आपको दे नहीं सकते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद
मिस्र देश के लोगों के ऊपर जो 10 मुसीबतें पड़ी, उनके 10 देवताओं को, काल्पनिक देवताओं को प्रभु ने एकदम से नाश कर दिया। ये उन्होंने आंखों देखा। उन्होंने ये भी देखा कि मिस्र देश में इस तरह का महातांडव जब हुआ तो हमारे लिए इस तरह की कोई बात नहीं, प्रभु ने हमको इन बातों से बचा कर रखा। और इन सब के बाद मिस्र से जब वो लोग बचकर निकल कर आए तो सामने जो लाल समुद्र जिसे कहते हैं वो समुद्र देखा, तो अब क्या करेंगे, पीछे से मिस्री जनता हमारा पीछा कर रही है। तब भी इन 20 लाख लोगों ने एक बात देखी थी, मूसा ने जैसे ही अपनी छड़ी उठाई, प्रभु ने जैसा कहा था वैसा ही अपने लोगों को बचाने के लिए लाल सागर को दो भागों में बांट दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सागर या समुद्र नदी नहीं है। आपने नदी देखी होगी, अपने शहरों में तो 5 फुट का नाला होता है उसको भी नदी बोलते हैं। हमारे शहर ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नाम की नदी है, 10 फुट का नाला है, शहर का सारा मैला उसमें से बहता है। ये नहीं होती है नदी, केरल में आने के बाद आपने नदियां देख ली होंगी, है ना। लेकिन नदी अलग चीज है, समुद्र अलग चीज है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने यहाँ पर समुद्र जाकर देख लिया होगा, नहीं देखा तो कम से कम जीवन में एक बार समुद्र का दर्शन कर ले। उसमें अथाह पानी होता है, उस अथाह पानी वाले समुद्र में से समुद्र के सामने वो लोग पहुँचे, पीछे से मिस्री देश लोग उनका पीछा करने के लिए पहुँचे, तो वो जो अथाह समुद्र है फटकर दो टुकड़े हो गया। ना केवल दो टुकड़े हो गया, एक तरफ पानी यों रुका, दूसरी तरफ पानी यों रुका। समुद्र की गहराई बहुत होती है, उसमें से होकर जब वो लोग निकले तो डर तो लगा होगा, एक तरफ शायद 30-30, 40-50 फुट ऊंचा पानी खड़ा है, और यदि पानी की ये दीवार ढह जाए तो आप डूब जाएंगे। नहीं ढहा, जब तक प्रभु के बच्चे बालू के ऊपर पैदल चल के, जब तक आखिरी बच्चा आखिरी जानवर भी उस समुद्र से बाहर नहीं निकला, तब तक वो दीवार खड़ी रही। जैसे ही वो लोग निकले वैसे ही समुद्र वापस आ गया। जितने मिस्री इस्राएलियों का पीछा कर रहे थे मर मिटे थे। मुझे जरा बताइए, इस तरह की चीज देखने के बाद कोई भूल सकता है क्या? कोई नहीं भूल सकता। मेरे 65 साल के जीवन में 2 या 3 बार छोटे छोटे आश्चर्य कर्म हुए हैं जो प्रभु ने किए। पिछले दिनों मैं वाइफ को अपने पुराने जीवन के बारे में बता रहा था, तो आज से लगभग 40-45 साल पहले प्रभु ने, एक बहुत छोटी सी बात थी, प्रभु ने मेरे लिए जो किया वो मैं उनको, ना केवल मैंने उनको बताया बल्कि 45 साल के बाद भी पूरे इमोशन के साथ कि किस तरह से प्रभु ने उस अति भयानक विपत्ति में हम लोगों को भूखे मरने से बचाया या भूखे बेहोश होने से बचाया। तो जरा सोचिए, एक छोटा सा आश्चर्य कर्म जब अपने जीवन में प्रभु का देखते हैं तब हम कितना आभार मानते हैं। मैं 45 साल के बाद उसको नहीं भूल पाया हूं। इन लोगों ने 10 अति भयानक विपत्तियां देखी थी, उसके बाद समुद्र को चीर कर अथाह समुद्र दो टुकड़े होते देखा था, लेकिन थोड़े से दिन मूसा को नहीं देखा, बाकी सब अच्छा चल रहा था, वहां कोई दुश्मन नहीं था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सीनै के आसपास जब ये लोग पड़ाव डाले हुए थे वहां कोई दुश्मन नहीं था। मिस्रियों को तो सब प्रभु ने खत्म कर ही दिया था, कोई दुश्मन नहीं था, कोई उनका पीछा नहीं कर रहा था, भोजन उनको नियमित रूप से मिल रहा था,
भोजन की व्यवस्था इससे बहुत पहले ही प्रभु ने कर दी थी, पानी की व्यवस्था प्रभु ने कर दी थी, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। सिर्फ इतना था कि मूसा कुछ दिन से प्रभु के पास है, वो दिखाई नहीं दे रहा। बस इतने में ही सब लोग भड़क गए, और भड़कने के बाद क्या बोला कि हे हारून, जाके आप जरा जाके देखिए कि उस महान नायक का क्या हुआ। नहीं बोला, ये नहीं बोला कि मूसा पहाड़ के ऊपर मर खप गए होंगे, किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा, इसलिए आप मूसा के बड़े भाई हैं और प्रभु ने आपको मूसा के ऊपर गाइड ठहराया है, इसलिए आप हमको गाइड कीजिए, हम आगे चलते हैं। नहीं, ये भी नहीं बोला। उन्होंने हारून से क्या कहा, हमारे लिए मूर्तियां बनाओ जिससे कि वो मूर्तियां हमको आगे ले जाए। जरा सोचिए, मिस्र देश में 430 साल की गुलामी में उन्होंने ये देखा था कि मिस्र देश की मूर्तियां व्यर्थ हैं, वो किसी का बचाव नहीं कर सकती हैं। मूसा के द्वारा प्रभु ने जब आश्चर्य कर्म दिए थे तब भी उन्होंने ये देखा था कि मनुष्य के द्वारा निर्मित, मनुष्य की कल्पना से बनाए गए ईश्वर ये बेकार हैं, देखा था। समुद्र को पार करते समय उन्होंने देखा था कि इस जगत के सृष्टा प्रभु कितने शक्तिशाली हैं। इतना सब देखने के बाद कुछ दिन मूसा दिखाई नहीं दिया तो एकदम से क्यों वो लोग भड़क गए, हमारे लिए मूर्तियां बनाओ जो हमको आगे ले चले। अच्छा, बोला किस व्यक्ति से? बोला एक ऐसे व्यक्ति से जिसको प्रभु ने ये जिम्मेदारी दी थी कि अपने भाई मूसा की अगुवाई करे। उसने तुरंत क्या बोला, तुम्हारी स्त्रियों बेटे बेटियों के कहने में सोने की जो बालियां उतारो और मेरे पास ले आओ। जरा सोचें, प्रभु के लोगों को लीड करने के लिए दूसरे नायक के रूप में प्रभु ने जिस व्यक्ति को चुना था, उस व्यक्ति ने, अरे जरा रुक जाओ, चार जवानों को हम पहाड़ पर भेज कर देखते हैं कि मूसा वहां है या नहीं, या देखो तुमने स्वयं देखा था कुछ हफ्ते पहले की बात है, प्रभु ने कैसा छुटकारा दिया, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा सबर करो, प्रभु का हाथ दिखाई देगा, ये कुछ नहीं, ले आओ सारा सोना चांदी। और लाके हारून ने क्या किया, एक मूर्ति बनाई। बाद में जब मूसा इस बात पर नाराज हुआ तो हारून बोला कि मेरे प्रभु नाराज ना हो, ये लोग हठीले लोग हैं, मैंने कहा सोना चांदी ले आओ तो सोना ले आओ, सोना लाए, मैंने सोना आग में डाल दिया और आग में से ये बछड़ा निकल आया। किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मूसा वो व्यक्ति है जो सनातन ईश्वर से मुखामुख बात करता है, जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है और मिस्र देश के सारी विद्या में पारंगत है। आप उसको बता रहे हैं कि ऐसा हुआ महाशय कि हमने थोड़ा सा सोना आग में डाल दिया और आग में से बछड़ा बाहर निकल के आ गया। क्यों? हारून के समान सीनियर, हारून के समान शक्तिशाली, हारून के समान जो व्यक्ति जिसको प्रभु ने स्वयं ठहराया था, वो क्यों ये सब काम करने लगा? एक्चुअली उत्पत्ति, निर्गमन, ये पांच बुक्स बाइबल की शुरू की पांच किताबें, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवीय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ये पांच पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं तब इनमें से एक विशेष बात प्रकट होती है, और वो बात यह है कि ये सारे कांड प्रभु के विरुद्ध जो हुए, लोगों का बड़बड़ाना, लोगों का क्रोधित होना, एक मूर्ति की मांग करना और ये कहना कि ये मूर्ति है जो तुमको वहां से बचा के लाई। देखिए, जब हारून ने उसको बना लिया तब हारून, तब लोग कहने लगे तुम्हारा ईश्वर जो तुमको मिस्र देश से छुड़ा कर लाया वो ये है। क्या कारण था?
बाइबल में जो इतिहास लिखा हुआ है उस इतिहास को हम पढ़ते हैं तो बार बार एक बात स्पष्ट होती है कि यह सारा प्रेशर हारून के ऊपर, सारा प्रेशर गलत काम करने के लिए दबाव, लोगों के मन में बलवा भर देना जिससे कि वे जरूरत पड़े तो हारून की हत्या भी कर दें, ये सब उस मिली जुली भीड़ ने किया था। वो भीड़ जो ना तो प्रभु की तरफ थी और ना मनुष्य की तरफ था। केरल में एक प्रकार की मछली होती है, उसका सर देखो तो लगता है कि सांप है, पूंछ देखो तो लगता है कि मछली है। उसके बारे में प्रसिद्ध है कि सांपों की संध्या में जब वो पहुंचता है तो सिर्फ सर दिखाता है तो सांपों को लगता है हाँ 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 ये तो सांप है, और जब मछलियों के बीच में पहुंचता है तो सिर्फ दुम हिला के दिखाता है तो मछलियों को लगता है कि हाँ हाँ ये मछली है। मिली जुली भीड़, उसकी लॉयल्टी, उसकी वफादारी ना तो उधर होती है ना इधर होती है, उसकी वफादारी सिर्फ अपने स्वार्थ के प्रति होती है। और इस तरह की मिली जुली भीड़ हमेशा सदा सर्वदा प्रभु के बच्चों को सही रास्ते से गलत रास्ते पर ले जाती है। ये मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा पाठ है, और वो पाठ ये है कि एक व्यक्ति जब इस बात को समझ लेता है कि मैं पापी हूं, जब ये समझ लेता है कि मैं अपने पापों से अपना स्वयं का बचाव नहीं कर सकता, और जब वो ये समझ लेता है कि प्रभु मेरे पाप की सजा के लिए इस संसार में पधारे थे, और जब वो एक बार प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके एक नई सृष्टि बन जाता है, और जब प्रभु यीशु की संतान बन जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले जो कार्य करना है वो यह है, मिली जुली भीड़ से अलग हो जाओ। मिली जुली भीड़ की वफादारी ना तो प्रभु की तरफ है ना संसार की तरफ है, उनकी वफादारी सिर्फ अपने स्वार्थ के प्रति है। और इस कारण यदि आप उस मिली जुली भीड़ के साथ संगति में रहेंगे तो जिस दिन उस मिली जुली भीड़ का स्वार्थ, आप जो कर रहे हैं उससे उनके स्वार्थ को चोट पहुंचेगी, तो वो आपकी टांग खींचने लगेंगे, टांग अड़ाने लगेंगे, तमाम तरह का काम करने लगेंगे। एक उदाहरण देता हूं, मैं ऐसे कई भाइयों को और कई बहनों को जानता हूं जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, लेकिन ग्रहण करने के बावजूद वे लोग जो प्रभु के प्रति भक्ति नहीं दिखाते ऐसे लोगों के साथ संगति में रहे, फल क्या हुआ? संडे को जाना है तो संडे को सुबह उठे और देखा कि कपड़े जो कल रात को प्रेस करके अपन ने रखा था जिसे पहन के जाना है, सुबह उठ के देखा तो पता चला कि कोई उन कपड़ों को जमीन पर डाल गया है, और कमरे में जितने आ जा रहे थे सब उसके ऊपर इधर उधर पैदल चले, अब वो कपड़ा बिना धोए पहना नहीं जा सकता, उसके अलावा कोई कपड़ा प्रेस करके रखा नहीं था, और अब इतना समय नहीं है कि नया कपड़ा प्रेस करके चर्च में पहुंच सके। ऐसे कई भाइयों को और बहनों को मैं जानता हूं जो अपने दुनियावी मित्रों को छोड़ना नहीं चाहते थे, और जिनके दुनियावी मित्रों ने इन भाई बहनों के जीवनों को, आत्मिक जीवन को, पहले तो उसको ठंडा किया, उसके बाद उसको नष्ट कर दिया, तमाम तरह के। यहां पर ये इसराइली लोगों के बारे में हम यही देखते हैं, प्रभु उनको मिस्र देश से बाहर लाए थे और कुछ हफ्ते की यात्रा के बाद वो लोग कनान पहुंच गए होते, बल्कि साल भर के बाद वो कनान के द्वार पर पहुंच भी गए, लेकिन मिली जुली भीड़ का ऐसा असर हुआ कि सब लोग वहां पर रोने लगे, इवन मौका मिला तो मूसा की हत्या कर दे, ऐसी स्थिति हो गई। प्रभु बहुत नाराज हो गए, प्रभु ने कहा ये कैसे लोग हैं, 10 विपत्तियों के द्वारा मैंने मिस्री देशों के ऊपर जो 10 विपत्ति दिखाई डाली थी उसके द्वारा मैंने इनको प्रमाणित करके दिखा दिया था कि मैं सच्चा ईश्वर हूं, समुद्र को चीर दिया था,
जो कोई नहीं कर सकता है, उसके द्वारा मैंने इनको बताया था कि मैं सच्चा ईश्वर हूँ। एक साल के बाद मैं उनको उस देश के दरवाजे पर, द्वार पर ले आया हूँ जहाँ दूध और शहद बहता है, जहाँ वो लोग शांति से जी सकेंगे, गुलामी के बदले आज़ादी का जीवन भी बिता सकेंगे, जहाँ मैं स्वयं उनका शासक या राजा होऊंगा। और वो लोग जो है बलवा कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमको तो मरवा डालने के लिए यहाँ पर लाए हो। प्रभु ने मूसा से कहा था, मैं इन सबको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तब मूसा प्रभु के पैर पर गिरा, प्रभु ऐसा ना कीजिए। इसलिए प्रभु ने उनका संहार नहीं किया, लेकिन प्रभु ने उनको सजा जरूर दी। ये सब क्यों हुआ? जो लोग 430 साल गुलामी में रहे और जिनको गुलामी से मुक्ति मिली साल भर के बाद, वो लोग उस देश के द्वार पर पहुंच गए जो जहां दूध और शहद बहता है, और वो लोग मूसा को ही मारने के ऊपर तैयार हो गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूं। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है, जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उस व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो ऐसे लोगों के साथ संगति करे जो उसके विश्वास को बढ़ाने में मदद करे, ना कि उसके विश्वास को नाश करने के लिए उसके साथ जुटे। मिली जुली भीड़ का असर आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा, उससे बहुत भयानक असर होता है। हारून जैसा महान नायक जो हर बात में मूसा के साथ खड़ा हुआ था, वो डर के मारे जैसा उन्होंने कहा एग्जैक्टली वैसा ही किया, और अपने ब्रदर मूसा से झूठ भी बोल दिया कि हे प्रभु, मैंने मूर्ति नहीं बनाई, सोने के जो पिंड थे इसमें डाल दिया और वहाँ से ये मूर्ति निकल आई, इसलिए मैं बिल्कुल जिम्मेदार। जबकि उसके ठीक पहले बाइबल में लिखा हुआ है कि बाकायदा उन्होंने खोद कर मूर्ति बनाई, मतलब पहले मूर्ति मोम से बनाते हैं, फिर उसके ऊपर कवर डालते हैं, मोम पिघालते हैं, फिर उसके अंदर पिघला हुआ सोना डालते हैं। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, और हारून ने उस लंबे प्रोसेस या प्रक्रिया के द्वारा मूर्ति बनाई थी, लेकिन मूसा के सामने झूठ बोल गया। देखिए, मिली जुली भीड़ का असर जीवन में बहुत खराब होता है, उसका असर कभी भी अच्छा नहीं होता। मान के चलिए कि आपकी बहन, आपकी माँ, चाची, ताई, आपकी वाइफ ने, आप काफ़ी समय केरल काम करने के बाद घर वापस पहुँचे हैं, इसलिए उसको मनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्वादिष्ट खीर बनाया, और खीर बनाकर जब वो किचन से आंगन में होकर इधर कमरे में ला रही थी, तो उधर से एक कौआ मुंह में जो दाबे हुए था मुंह से छूट गया और खीर के बर्तन में गिर गया। हम जानते हैं कि कौए के मुंह में कोई भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, वो खीर के डब्बे में डाल गया, और मान लीजिए आपके सामने आपकी माँ, मिताई, चाची उसको हटा के फेंक देती है और कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, खीर पी ले। आप पियेंगे क्या? मैं तो नहीं पीऊँगा, बल्कि मामी से दुश्मनी और हो जाएगी कि आपका बेटा होता तो आप उसको पिलाती क्या? बुरी चीज अच्छी चीज में पड़ जाए तो अच्छी चीज या अच्छी वस्तु बुरी चीज को अच्छा नहीं बनाती है, बुरी चीज हमेशा अच्छे को बुरा बनाती है। बुरी संगति अच्छे अच्छे लोगों के विश्वास को बर्बाद कर देती है, बुरी चीज अच्छी से अच्छी चीज को बर्बाद कर देती है। आप सब केरल में हो सकता है, कई जगह पब्लिक टॉयलेट में कभी गए हों, यदि एस्बेस्टस वगैरह के पब्लिक टॉयलेट में जहां आप काम करते हैं गए हों, तो आप इस बात को जानते हैं कि जहां पर मूत्र त्याग होता है 5 या 6 साल के बाद एस्बेस्टस जो बहुत कड़ी चीज़ है वो गल के ख़त्म हो जाता है। आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि जहां मूत्रालय बना हुआ है और 10 साल के यूज़ के बाद पहले एस्बेस्टस जो है वो आधा सेंटीमीटर मोटा एस्बेस्टस था, अब उसके बाद फुट भर का बहुत ही मजबूत अच्छी क्वालिटी का एस्बेस्टस हो गया? नहीं,
बुरी चीज हमेशा अच्छी चीज को बुरा करता है, खत्म कर देता है, उसको गला देता है। इसराइलियों ने सबसे बड़ी गलती क्या की कि जब इसराइलियों को बाहर जाना था तो इस मिली जुली भीड़ को अपने साथ जाने दिया, जो ना तो प्रभु की ओर थे ना इसराइली थे। उन्होंने पूरी तरह से इसराइलियों के जीवन को बर्बाद कर दिया। आप में से कई लोगों ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की संगति ढूंढें जो आपके समान विश्वास करते हैं, जो आपसे भी ज़्यादा भक्त हैं और जो आपके विश्वास को बढ़ा सकें, ना कि आपके विश्वास को नष्ट कर दें। ये एक और एकमात्र पाठ है जो प्रभु के वचन से आज मैं आपके साथ छोड़ जाना चाहता था। इसके साथ हर हफ्ते जो बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि यदि हम बार बार जिस नए जीवन की चर्चा कर रहे हैं, जिस उद्धार की बात कह रहे हैं, यदि उस उद्धार के बारे में आप नहीं जानते तो चार वाक्यों में मैं बोल दूं, मनुष्य पापी है। वो किसी भी हालत में उस पाप से अपने आप को बचा नहीं सकता है, लेकिन मनुष्य को उसके पाप से मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले इस संसार में पधारे। और प्रभु इस संसार में ना केवल पधारे, प्रभु ने सूली पर अपना जीवन मेरे और आपके लिए अर्पित कर दिया, जिसके द्वारा हम एक नया जीवन पा सकें। आज से कई सालों पहले मैंने वो नया जीवन पाया। यहाँ कई भाई बहन हैं जिन्होंने ये नया जीवन पाया है। यदि आपने वो नहीं पाया है तो हम चाहते हैं कि आप भी उसको पा लें। यदि ये आपके लिए एकदम नया विषय है तो हम में से किसी से बात कीजिए, हम आपको समझाएंगे, क्योंकि इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन इस नए जीवन की उपेक्षा ना करें, इस हॉल को छोड़कर जाने से पहले इस बात का यकीन कर लें कि आपने वो नया जीवन पा लिया है। जिन्होंने पाया है वे इस बात को गारंटी कर लें कि संगति ऐसे लोगों की जाए जो आपके जीवन को बढ़ा सके, ना कि जो आपके जीवन को नष्ट कर दे। इन बातों को सोचने, समझने और जीवन में व्यवहार में लाने के लिए प्रभु आप सबकी मदद करें। आज प्रभु ने इस तरह का मौका दिया, मैं प्रभु के लिए शुक्रगुजार हूँ। जय मसीह की। गीत नंबर 18, यीशु के पीछे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई चलने लगा, यीशु के भी
के पीछे।